मैं आप सब लोगों से एक विनती करना चाहूंगा कि अगर इस तरह का भेदभाव इस मंदिर में किया जा रहा है तो आज के बाद वो ना हो। बाबूजी, आपको इसमें कोई आपत्ति तो नहीं? कदापि नहीं बेटा। राधिका, आरती लो। कृष्णाय गोविंदाय दामाद बाबू, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपका आभार किन शब्दों में व्यक्त करूं। कुछ मत कहिए बाबूजी, मैं तो सिर्फ वही कर रहा हूं जो कान्हा मुझसे करवा रहे हैं। बाबूजी, मैं थोड़ी देर मंदिर में रहना चाहती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, मंदिर बहुत अस्त व्यस्त पड़ा है। मैं इसे सवार दूंगी और रंगोली भी बना दूंगी। सत्य कह रही हो बेटा, तुम्हारे बिना तो ये मंदिर सूना सूना था। परंतु रात्रि के पूर्व लौट आना। जी बाबूजी। आइए तमाता। क्या हुआ राधिका, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप यहाँ वापस? तुम यहाँ देर तक रुकने वाली थी ना, और मौसम भी ठीक नहीं लग रहा। मैंने सोचा कोई परेशानी ना हो जाए, तुम्हें घर तक छोड़ दूँ। धन्यवाद, मैं अपने घर वापस खुद चली जाऊंगी। पर तुम, आप विशाखा को लाने गए थे ना, क्या हुआ? आप मिले उससे? हाँ, मैं उससे मिला। पर क्या, बताइए ना क्या हुआ? मुझे पता चल गया था कि विशाखा मुंबई में कहाँ है, और मैं वहां उससे मिलने भी गया था। विशाखा, घर चलो। तुम नहीं जानती तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर वालों की क्या हालत हुई है।
बाबूजी को हार्ट अटैक आया था और मेरे घर वालों को अभी तक कुछ नहीं पता। चलो विशाखा, घर चलो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मुझे कुछ भी बिगड़ने का डर नहीं है देव, क्योंकि मैं घर वापस आने वाली नहीं। बरसों से मैंने इसी जिंदगी का सपना देखा है और आज जब मुझे सब कुछ मिल रहा है, नाम शोहरत, तो तुम मुझे घर वापस ले जाने के लिए आए हो। मैंने तो तुम्हें अपने सपनों के बारे में बताया था ना, कम से कम तुम्हें तो समझना चाहिए था ना कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। तुम मुझे अपनी जिंदगी में वापस लाना क्यों चाहते हो, जबकि तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। जब से हमारी शादी हुई है देव, हम सिर्फ दिखावे के पति पत्नी, बस एक नाम का रिश्ता निभा रहे, और तुम तो मुझसे हमेशा ऐसे दूर भागते आए हो जैसे कि तुमने किसी गलत लड़की से शादी कर ली हो। लेकिन अपने घर वालों के बारे में तो सोचो, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। उन्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है, मेरे घर वाले मेरे बिना भी जी सकते हैं देव। और रहा सवाल बाबूजी की तबीयत का, तो वो कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगी। राधिका है ना उनका ख्याल रखने के लिए। आज मेरा करियर मेरे सामने है और बस मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी वही है। मैं घर वापस आने वाली नहीं, समझ गया तुम? इसे भी अपने साथ ले जाओ। जब मैंने सारे बंधन तोड़ ही दिए हैं, तो ये बंधन किस लिए? अब वो कभी वापस नहीं आने वाली। ऐसा मत कहिए, विशाखा भोली है, उसने ये कदम किसी के बहकावे में आके उठाया है। मैं उसे बचपन से जानती हूँ, ये हाल बस कुछ ही दिनों का है। वो लौट आई अपने परिवार की खातिर, अपने बाबूजी की खातिर, माँ की खातिर, अम्मा की खातिर, हम सब की खातिर। बार बार ऐसा कहने से सच नहीं बदल जाएगा राधिका। सच तो यह है कि विशाखा वापस आना ही नहीं चाहती, और दूसरा सच यह है कि उसकी वापस आने की उम्मीद मैंने छोड़ दी है। विशाखा, अपने आप को संभालो राधिका, तुम्हारे बस में कुछ नहीं है और ऐसे रोने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। हम दोनों सिर्फ एक नाम की जिंदगी जी रहे थे, जिसमें ना वो खुश थी और ना ही मैं। आप यहां से चले जाइए, मैं कुछ समय अकेले बिताना चाहती हूँ। राधिका, मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। बस कुछ ही देर में अंधेरा भी हो जाएगा, बादल भी घेरा है और हो सकता है कि बारिश भी हो जाए। तुम सही सलामत घर पहुंचो और
उसके बाद मैं भी घर चले जाऊंगा। चले राधिका, मैं आपसे विनती करती हूं, ऐसा कोई भी सपना मत देखिएगा जिसका टूटना तय। मैं जानता हूं कि तुम्हें यह लगता है कि हम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे नजरिए से यह सही नहीं है। लेकिन सही गलत का फैसला करने वाले हम कौन होंगे? वो तो भगवान करेंगे ना। और वैसे भी मैं तो तुम्हें पहले ही कह चुका, अब जो भी करेंगे वो काना ही करेंगे। अगर वो हमें पास लाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? आपकी दादी माँ का फोन आया था, वो पूछ रही थी मठ के प्रस्तावित स्थल पर राधा कृष्ण की मूर्ति लगानी है तो उसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो फिर कब का निकला शुभ मुहूर्त? कल, कल का दिन अत्यंत शुभ है। अभी तो सारी तैयारियां बाकी है बाबूजी, सब अधूरी रह जाएंगी। व्यवस्थाएं करना कठिन नहीं होगा दामाद बाबू, और पूजा का समस्त प्रबंध मैं स्वयं कर दूंगा। राधे राधे दामाद बाबू। राधे राधे। और बाबूजी मूर्तियां भी अभी अभी आई है, उनका श्रृंगार करना भी बाकी है। उसकी आप तनिक भी चिंता ना करें दामाद बाबू, आपका यही मंतव्य है ना कि मूर्तियों का श्रृंगार अल्प समय में उत्तम प्रकार से हो जाए। राधिका बेटा। जी बाबूजी। तुम सदा से ये चाहती थी ना कि राधा कृष्ण की प्रतिमा का श्रृंगार करो, उन्हें आभूषण पहनाओ, वस्त्र पहनाओ। दामाद बाबू, यदि राधिका राधा कृष्ण की प्रतिमाओं का श्रृंगार करे तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? नहीं नहीं बाबूजी, मुझे क्या ऐतराज हो सकता है, बल्कि मुझे तो खुशी होगी अगर राधिका मठ के काम में मदद करेगी। राधिका, तुम्हें सदा इस कार्य के प्रति बहुत रुचि थी ना, तुम्हें अवसर भी मिल रहा है और अधिकार भी मिल रहा है, पूरे बने योग से करना बेटा। जी बाबूजी, मैं मन लगाकर उनकी साथ सजावट करूंगी, और वैसे भी मुझे आश्रम से अपने कान्हा को वापस लेकर आना है। हाँ हाँ अवश्य, उन्हीं कान्हा ने तो तुम्हें मेरे पास वापस भेजा है। बाबूजी, मैं घर पे भी सबको बता दूंगा, और कल सुबह मर जाते हुए राधिका को लेते हुए जाऊंगा।
उचित रहेगा, है ना राधिका? बाबूजी, मैं अपने आप चली जाऊंगी। हाँ हाँ, वो चली जाएगी ना सुबह। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, देवकी जी मैं दामाद बाबू को तनिक बाहर तक छोड़कर आता हूँ। राधे राधे, राधे राधे। बिटिया, छत पर थोड़े कपड़े और सूख रहे हैं, उनको भी उठा लेना। जी मैम। रिया, ये दामाद बाबू का है राधिका को छोड़ने आए थे? अम्मा जी, दामाद बाबू को इनसे भी तो काम था ना। हमने वो दो को साथ साथ देखा था, ऐसे अगल बगल। अम्मा जी। हाँ, आपको पता है, पता है, राधिका बहुत भली है, बहुत ही भली है। उनके दिमाग में ऐसा कोई विचार ना आवे को, पर हमको सावधानी बरते का चाहिए। अम्मा जी, मुझे अभी इस बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। और वैसे भी अब राधिका के विरुद्ध मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। ठाकुर जी, बस मोरा विचार निराधार हो। अरे बिटिया, तू नीचे क्यों सो रही है? ये तेरा ही कमरा है बेटा, ऊपर सो जा। ये कमरा मेरा और विशाखा का है माँ, पर यहाँ का पलंग, यहाँ की अलमारी, यहाँ की हर चीज विशाखा की थी। बिताई के बाद भी तो मैं नीचे ही सोती थी ना माँ। तब की बात और थी बिटिया, अब तो तेरे बाबूजी ने। नहीं माँ, भले बाबूजी विशाखा का तर्पण कर चुके हो, लेकिन मेरे लिए विशाखा जीवित है माँ। बिटिया, तेरी कुछ बात हुई इस बारे में देव बाबू से? वो उसे ढूंढने गए थे ना? हाँ माँ, वो विशाखा से मिले थे, लेकिन उसने आने से मना कर दिया। उसने अपना मंगल सूत्र वापस लौटा दिया, ये कहकर कि बाकी रिश्तों की तरह अब उसे इस रिश्ते की भी जरूरत नहीं। लेकिन आप मां चिंता मत कीजिए, विशाखा लौट आएगी। मैं कान्हा से प्रार्थना करूंगी मां, सब ठीक हो जाएगा मां। तू सो जा बिटिया, कल बहुत सारे काम पड़े हैं करने के लिए, सो जा। वो विशाखा से मिले थे, लेकिन उसने आने से मना कर दिया। उसने अपना मंगल सूत्र वापस लौटा दिया। राधे राधे पूजा दीदी। राधे राधे, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दीदी दीदी, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, तुम सब कैसे हो? गुरुजी कहाँ हैं? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे दीदी। राधे राधे। कैसे हैं शास्त्री जी अब? जी स्वस्थ है। तुम्हें वापस घर में पाकर अत्यधिक प्रसन्न होंगे वो। गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे अपना निर्णय बदलना पड़ा। यदि तुमने आश्रम के कठोर नियमों से घबराकर आश्रम छोड़ा होता तो हमें बुरा भी लगता, लेकिन तुमने तो
अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए आश्रम छोड़ा, इसलिए तुम्हें क्षमा प्रार्थी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। राधिका, संन्यास मनुष्य तब लेता है जब वो पूरी तरह से अपने दायित्वों से मुक्त हो जाता है। तब तक इस संसार में रहकर अपने दायित्व पूरे करना ही सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। जाओ। राधे राधे। राधे राधे। गंगा, मैं कर दूं? या ब्रह्मा चित शंकर प्रभृति बिर देवै सदा वंदिता तामां पास सरस्वती भगवती निषेजाद्यापा वरेणियम। मूर्ति स्थापना स्थल का पूजन प्रारंभ किया। जी गुरुजी। देव बाबू आई। इधर बैठे। आराम कीजिए। आपकी पत्नी कहाँ है देव बाबू? राधा कृष्ण को चिरंतन जुगल माना गया है बेटे। उनकी मूर्ति की स्थापना केवल विवाहित जोड़ा ही कर सकता है। जब तक की अर्धांगिनी संग न हो, कोई भी पुरुष उनकी स्थापना नहीं कर सकता है।